हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम संतोष कुमार फ्रॉम लखनऊ। आज जो मैं कार चलवाने जा रहा हूँ, 5 या 6 डेज अपनी कार चलाने के बाद, आज मारुति की सिलेरियो कार है जो कि ऑटोमेटिक कार है, देख सकते होंगे। तो आज मैम चलाएंगी, 5 से 6 दिन मेरी कार चलाएंगी और आज 3 4 दिन ये सिलेरियो अपनी कार चलाएंगे। तो देखते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है उन्होंने। ऑटोमेटिक कार कभी चलाई नहीं है और फर्स्ट टाइम मेरे से कार सीखी है, तो अभी उनका मैं आपसे परिचय कराने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक कार को कैसे चलाते हैं। अगर जो आपको आर का मतलब क्या होता है, एन डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, तो इसी पे बने रहिएगा, आपको ऑटोमेटिक कार चलानी आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, अच्छे से। बधाई हो, आप आज अपनी कार चलाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने सीट को सेट किया? सीट सही है। गुड। हाँ जी, मुझे लगता है भैया की और आपकी हाइट बराबर है, थोड़ा बहुत मतलब वो हमसे बड़े हैं, हल्का सा है ना। चलिए आप चलें। मैम इसमें नीचे जो पैडल हैं दो हैं, पीछे कर एक बार। हाँ, इसमें जो पैडल हैं दो हैं, एक तो एक्सलेटर हो गया, दूसरा ब्रेक, एक हो, ब्रेक गया। हो गया। तो ये कैसे आप चलाएंगे, एक्सलेटर ब्रेक को कैसे यूज करेंगे पैर से, बताइए जरा। एक्सलेटर ये, हाँ जी, ब्रेक ये। गुड। अब दोनों पैर से तो नहीं करना है, एक ही पैर राइट से वाले करना पैर है। से, ये समझिए लेफ्ट वाला पैर आपका एकदम फ्री होकर लेफ्ट में रखा रहना चाहिए, जैसे इसमें रखा हुआ है। जी 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 अब एक्सलेटर ब्रेक आपको उसी से करना होगा। जी जी एक्सलेटर ब्रेक, ठीक है, क्योंकि दोनों में से जरूरत तो एक ही चीज पड़ेगा आपको। जी। ओके, चलिए अब आप सीट को सेट कर लीजिए। ओके, आज कौन सा डे कार सीखने का? 7 डेज। 7 डेज है, 6 डे मेरी कार आपने चलाया, जी। ठीक है। अब आप ब्रेक दबाइए फुल ब्रेक। अभी कार आपके कौन से मोड पे है? कार स्टॉप है। कौन से मोड पे है? मोड, अच्छा, मैनुअल, सॉरी, न्यूट्रल। न्यूट्रल पे, ओके, न्यूट्रल। हाँ जी, अब आप पूरा ब्रेक दबाइए फुल, फुल की को ऑन करिए, इंजन को स्टार्ट कर लीजिए, की आगे ऑन कर देंगे। हाँ जी, ये तो दबा के रखिए ब्रेक को, फिर ब्रेक को दबा के रखेंगे तभी कार स्टार्ट हो पाएगी। अच्छा, इसमें ब्रेक से, हाँ जी, स्टार्ट होगी। और नॉर्मल मोड पे भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ब्रेक भी दबा रहना चाहिए नॉर्मल, और नॉर्मल मोड भी होना चाहिए, ठीक है। अब अगर जो आपको कार बढ़ानी है तो क्या करना है? ब्रेक को छोड़ना है धीरे-धीरे। ब्रेक को छोड़ना नहीं है, पहले आप इसको ड्राइविंग मोड पे डालिए। ड्राइविंग मोड पे, हल्का सा पीछे लाइए गियर को, बस हो गया, ठीक, ड्राइविंग मोड हो गया। अगर जो आपकी कार बंद हो जाती किसी वजह से, तो आप इसे फिर से आप नॉर्मल मोड करके ब्रेक दबा के फिर कार स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, ठीक है भैया। ओके, आप क्या करेंगे? आप ब्रेक को छोड़ेंगे? गलत, आप पहले हैंड ब्रेक रिलीज करिए, पहले ऊपर उठाइए ताकत लगा के। ये पुश करेंगे ना अंदर? हाँ जी, हल्का ऊपर, पहले देखिए मैं कैसे हटाता हूँ, छोड़ दीजिए, हल्का सा मैंने ऊपर उठाया, इसको पुश किया, आराम से नीचे हो गया। हैंड ब्रेक क्या होता है, पूरी अपनी ताकत लगा के उठा देना चाहिए। मैं एक बार फिर से करूँ? करिए, पूरी ताकत लगा के उठा दो, डायरेक्टली, डायरेक्ट, डायरेक्ट, पुश करके, बिना पुश किए। ओके, ठीक, अब हल्का सा ऊपर उठा के फिर रिलीज करेंगे, हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके लेफ्ट का और राइट का मिरर सेट है? हाँ, सेट है। ओके, अब आप ब्रेक छोड़िए हल्का सा, ब्रेक पूरा छोड़ दो, ब्रेक छोड़ दिया, हाँ। पूरा। जैसे ही ब्रेक छोड़ते हैं कार बढ़नी आपकी शुरू हो जाती है, तब भी जब भी आपको डाउट लगे तो ब्रेक पे पैर रखे रहेंगे, ठीक है, जैसे ट्रैफिक में कार रोकना बढ़ाना, ठीक है, हाँ। आराम से, थोड़ा सा कीचड़ है, ईटा पत्थर वगैरह बचा के थोड़े, जी जी जी, ठीक, भैया फट जाएगी, इससे दिक्कत नहीं होता है, इससे दिक्कत नहीं, इससे नहीं, जैसे वो RCC की, जैसे रोड मैंने बताए थे ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर नुकीले पत्थर हो। एक्सलेटर अब रुक, अब यहाँ पे रोकिए जरा एक बार, ठीक, देखो कितना इमरजेंसी ब्रेक लिया आपने, ठीक, अब ब्रेक छोड़ो, कार बढ़ी, फिर हल्का ब्रेक लो, धीरे से रोक लो, गुड, वेरी गुड, ब्रेक छोड़ो। क्या मैम इससे पहले आपने कभी कार चलाई थी? नो, जब मैंने सिखाई है जब से? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, नहीं। क्या कहना चाहेंगे, 10 दिन में कार सीख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सीख जाएंगे, सीख जाते हैं। लेफ्ट का सिग्नल दीजिए और आराम से यहाँ से लॉन्ग हॉर्न दीजिए पहले, बढ़िया, बढ़ा लो और बढ़ा लो, एक्सलेटर ना, हल्का एक्सलेटर से, और एक्सलेटर हल्का सा,
काटो शेयरिंग, लेफ्ट में काटो, ब्रेक पे पैर रख लो, गुड, और काटो शेयरिंग, और हाँ जी बढ़ा लीजिए धीरे से, सीधी कर लो जल्दी से, ओके ठीक है जी। इसमें जो आर बना हुआ है, आर का मतलब क्या होता है? रिन्यूअल, रिवर्स मोड, बैक, ओके, रिवर्स मोड मींस भैया बैक, बैक, ओके हाँ जी, स्पीड बढ़ाइए, एक मिनट भैया मैं आज अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी, चलाइए कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा जहाँ पे खाली हो वहाँ पे आप आराम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलेटर लो भैया, स्पीड लीजिए, हाँ जी वही बता रहे थे, हल्का सा एक्सीलेटर होगा, इसमें थोड़ा देर से पकड़ता है जी, जी, और कब को पकड़ लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा जी जी जी, ओके जी। चलते रहेंगे सिंगल रोड पे, थोड़ा भीड़ वाले एरिया में चलेंगे, वही दूसरी रोड निकालूंगी, भीड़ वाले एरिया में निकालेंगे, मैं सिखा रहा हूँ ना मैम, बेफिक्र रहो के चलाइए, हालांकि मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है, जब भी ना सुन में कार खड़ी करो, पापा भी कल यही समझा रहे थे, जहाँ ना समझ में साइड लेके ब्रेक ले लो, हाँ जी अब मैम थोड़ा स्लो कर लीजिए, इन लोगों को निकल जाने दीजिए, देखिए वो तो बंद करेगा नहीं, नहीं 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 नहीं, अब बढ़ा लो थोड़ा, लेफ्ट में लाओ और ठीक, देखो उधर कितना चटके निकल रही है, मिरर देखा आपने? नहीं देखा, राइट का सिग्नल दो, हाँ आप यहाँ से राइट काटो, बढ़ा लो धीरे से, काटिएगा राइट, काटो और काटो, स्टीयरिंग काटो और काट लो, और काट लो, बढ़ा लो हल्का सा, एक्सीलेटर लो, हाँ हल्का सा, आप सीधी कर लो, जल्दी सीधी कर लो, बढ़ा लो स्पीड लीजिए एक्सीलेटर, गाड़ी रॉन्ग साइड आ गई आपकी, स्पीड बढ़ा लो एक्सीलेटर लो, इसमें स्पीड का भी नहीं था अंदाजा नहीं हो रहा है एक्सीलेटर का, एक्चुअली वो वीसी से प्रैक्टिस है जी, हॉर्न दे दिया जाता है, देखिए कितना सटके चल रहे साइकिल वाले भाई साहब, है ना, बढ़ा लो स्पीड जल्दी से, हाँ ऐसे अब बार बार ऐसे करेंगे ना आपको अंदाजा हो जाएगा ब्रेक का और एक्सीलेटर का दोनों का, और नहीं करेंगे तो डरते रह जाएंगे फिर, नहीं डरना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना ठीक, और ध्यान रखिएगा जो आरसीसी के जो रोड जहाँ से एंडिंग होती है वहाँ नीचे उतारनी भी है, तो ध्यान से उतारिएगा कि उतारने के लिए आगे चढ़ाने के लिए पहले सोच लीजिएगा कि हमें उतारना कब है और चढ़ाना भी कहाँ से, नहीं तो आपका टायर फट जाएगा धारी से, ठीक है चलिए बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लखनऊ में हैं।